शिवराज सिंह साहब का नाम सुना है किसी ने? सुना है ना, ये वो मुख्यमंत्री थे, आज मुझे नाम याद दिलाना पड़ रहा है उनको। वो मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं, मामा जी की जो बात कर रहा हूँ ना, मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं वो। मोदी जी गुजरात से आते हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में मुझे बताएंगे आप? और मध्य प्रदेश में कितनी है बताया ना आप सब लोगों को? तो वो इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी से बड़े नेता हैं। आज वो भीगी बिल्ली बन के क्यों चुप बैठ गए? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने कहा है पीछे हटो, तुम्हारी क्या औकात है, वोट तो सारे हमने ईवीएम से लिए हैं, कौन हो तुम? और भगा दिया ना, आप चुप बैठे। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कम बड़ी नेता हैं, मोदी जी जैसे कितने नेता अगर एक पल्ले में तोल लिया जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बराबर नहीं आएंगे मोदी जी से कई नेता। चुपचाप बिठा दिया ना, क्या बोला, कौन से तुम्हारे नाम से वोट लिए, कौन से तुम्हारी मेहनत से वोट लिए, हमने ईवीएम से वोट लिए, चुप बैठ गई। उसी तरीके से रमन सिंह साहब कितने बड़े नेता हैं, मोदी जी से तो बड़े ही हैं, उनको भी चुप बिठा दिया ना। ये है ईवीएम की ताकत, आप उनकी बात करें, जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया, ये है ईवीएम। चाहे वो बीजेपी, ये तो ऐसे लोग हैं जो अडवाणी जी को घर बिठा दिया, ये तो ऐसे लोग हैं जो मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा दिया, ये ऐसे लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं, ये जो मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है ना, ये सिर्फ अडानी की सगी है, ये अडवाणी जी की भी सगी नहीं है, कितना मिलता जुलता नाम है तब भी सगी नहीं है। सर क्या मानते हैं, जब 2014 का चुनाव हुआ था जो बीजेपी को वोट मिली थी वो ईमानदारी वाली थी? उसमें एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस में, वो आरएसएस के एजेंट थे मोदी जी, और ये अमित शाह के एकदम मिले हुए व्यक्ति थे वो, एकदम तीनों की तिकड़ी थी वो, दुनिया जानती है, आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जान के उनका। तो ये उन्होंने नाम ले दीजिए, राहुल जी उनसे नाराज हो गए थे, दुनिया जानती है, ये नाम नहीं ले रहा मैं, आप सब जानते हैं, आज मत लेवाओ नाम क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा फिर। तो उन्होंने सेट करके ईवीएम मोदी जी को चिताया था 2014 का भी चुनाव में, ये आपको बता रहा हूँ। उसी व्यक्ति ने अमित शाह साहब की बेल कराई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसी व्यक्ति ने पूरे 10 साल मोदी जी और अमित शाह जी को बचा के रखा था, उनके खिलाफ केस नहीं चलने दिया। एक ही व्यक्ति है जिम्मेदार, कभी नाम मैं बता चुका हूँ पहले, आज नाम इल्जाम लगा रहे हो आप, हाँ मरने हो जो तो मर चुके, अब के इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्जाम की बात नहीं है, तथ्य है। जब वो जिंदा थे तब मैं ज्यादा जोर से बोलता था और वो मेरी बात तक कभी जवाब नहीं दे पाए, सारी दुनिया जानती है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अच्छा एक बार बताइए, जब उम्मीद है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा? उम्मीद नहीं, यकीन है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, जिसमें जितनी ताकत है लगा ले। ये अंबेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये और लोग नहीं है। एक बार लग गई तो क्या होगा? हाँ, कल आचार संहिता लग गई, आचार संहिता क्या संविधान से बड़ी है? इलेक्शन का डेट, ये जब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ना, कौन था वो इलेक्शन कमीशन जिसने ये जो गहरा काला शीशा लगवा के फ्रॉड करने का प्लान किया था? ऐसे क्रिमिनल्स को हम मानेंगे कुछ? समझिए, और आज का इलेक्शन कमीशन मुझे लग रहा है ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है, उसने मना नहीं किया हमें, कलम 50 जो लेने जा रहे थे शायद तैयार रखी होंगी, तो अमित शाह साहब इतना डर गए कि उन्होंने हमें बाहर ही नहीं जाने दिया, कहीं कोई ईमानदार इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके 50 छोड़ो एक भी अगर हमारे हाथ में दे दी तो अमित शाह साहब का तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, 4 भी सीटें आनी मुश्किल पड़ जाएंगी। इसीलिए हुआ, इसीलिए पुलिस को आगे क्यों किया गया कल? आपको गिरफ्तार कर लिया गया था सर, इसलिए मुझसे डर के नहीं, ईवीएम से डर के, कहीं ईवीएम हमारे हाथ ना आ जाए। सब लोगों ने, अधिवक्ता और आम नागरिक है, आम नागरिक तो सब इलेक्शन जो पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उनके भी मालिक हैं, पूरे देश के मालिक तो आम जनता ही ना, जब मालिक आ गए। अभी तक कहीं पर किसी राजनेता ने नहीं धरना दिया और ना ही कहीं? नहीं नहीं, आपको ऐसा शायद पता नहीं है ठीक से, राजनेताओं ने चिट्ठी लिखी है सबने, राजनेताओं ने सबने एक्शन लिया है सर। सुप्रीम राजनेता आप हट जाएं यहाँ से, हम जा रहे हैं, आप मत आ जाएं, इतना ही रखें बस सर, हम बाहर ही जा रहे हैं। सर क्या लगता है 2024 लिमिट सर, क्या लगता है 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है? बिल्कुल 100% बैलेट पेपर से ही होगा। एक चीज और है, राजनेताओं की बात आपने की ना मुझसे, राजनेताओं की बात में एक बात और बता दूं आपको, जो ये कल ममता बनर्जी साहिबा के लोगों के ऊपर रेड हुई है, जो ये कल शरद पवार जी के लोगों के ऊपर रेड हुई है, ये उसी चीज से डर के, उसी चीज का दबाव बनाने के लिए हो रही है कि ईवीएम के खिलाफ सब सड़क पे ना आए। हम वकीलों की टीम गारंटी लेती है, हम किसी नेता के घर अब ऐसी नाजायज रेड, अब ऐसी क्रिमिनल रेड नहीं होने देंगे। हम गुजारिश करते हैं, हमें बताएं, हम आके रक्षा करेंगे, इस वक्त वकीलों की जिम्मेदारी है। हम हर एक राजनेता को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को इस जुल्म वाली, इस बेईमानी भरी रेड से बचाएंगे, ये हम वकील लोग वादा कर रहे हैं आप लोगों से। मैं चाहता हूं कि हमें बुलाएं,
जब किसी के घर ईडी की रेड होती है, हम साबित करेंगे, जैसे हमने अपनी रेड के साथ टाइम साबित किया था कि ये इलीगल रेड है, हमने वापस मुकदमा करा रखा है। उसी तरीके से जितनी भी रेड्स हो रही हैं ये अपराध है, उसमें कानून का पालन नहीं करती है ईडी। और ईडी के खिलाफ मैं कहता हूं कि ये मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से रेड नहीं कर रहे हैं। एक भी बीजेपी वाले के खिलाफ रेड नहीं की। और जो व्यक्ति पकड़ा जाता है और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके खिलाफ ईडी केस बंद कर देती है। ईडी क्रिमिनल है सर, आप क्रिमिनल ईडी है ये। दरअसल ये आज कयास लगाए जा रहे हैं कि जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको चुनाव से पहले ही नजरबंद कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये वकीलों की जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम लोग आके ढाल बन के खड़े होंगे। ये चुनाव से पहले ये धांधली बदमाशी जो ईडी के माध्यम से हो रही है नहीं करने दी जाएगी। ये ईवीएम के माध्यम से बदमाशी नहीं कर, ईवीएम कोई बदमाशी करने का, ईडी कोई बदमाशी का अड्डा नहीं है, ईडी कोई गैंगस्टर्स नहीं है, ईडी सीबीआई कोई गैंगस्टर्स नहीं है। चुनाव से पहले अभी 4 महीने बाकी है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम चुनाव वो लगा देंगे, आचार संहिता लगा देंगे, और दूसरी तरफ रेड करा रहे हैं। शर्म आती है। हम लोग वकील ढाल बन के खड़े होंगे। हम आह्वान करते हैं जिस भी ऑपोजिशन के नेता के घर या उसके किसी कार्यकर्ता के घर इलेक्शन से पहले रेड होती है तो हमें बुलाएं, हम आएंगे, हम रोकेंगे ये क्रिमिनल रेड्स, हम ये क्रिमिनल्स की रेड्स रोकेंगे। हम आह्वान करते हैं सब ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी से, वकील जिम्मेदारी लेते हैं, हम लोग आएंगे और इन क्रिमिनल्स एजेंसीज को रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का घेराव की जो बात कही है सर, यहाँ से ऐलान किया है, क्यों सुप्रीम कोर्ट का आप लोग क्यों घेराव नहीं कर रहे हैं? हमने कल की डेट में यह साबित कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन शायद वोटिंग मशीन्स देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वहाँ भी शायद कुछ ईमानदार लोग मौजूद हैं। इसीलिए हमें इलेक्शन कमीशन तक जाने ही नहीं दिया, कहीं कोई भी हमें मशीन ना दे दे। और अगर मशीन हमारे हाथ में आ गई, किसी के हाथ में आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक मशीन नहीं दी है। 19 लाख के करीब मशीनें चोरी करवा हो सकती हैं और उसकी कंप्लेंट नहीं हो सकती। एक मशीन हमें नहीं दे सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक मशीन नहीं। तो कल हमने यह साबित कर दिया था कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और पुलिस के जरिए रोका जा रहा है हमें, तो तब इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताने जाना चाहते हैं कि 15 तारीख को हम ये सिर्फ जनभावना सुप्रीम कोर्ट को बताने जाते हैं। पूरा देश, आप जो हमारे जितने बयान आ रहे हैं, जितने हमारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें देख लीजिए। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप जाके सब लोग कमेंट्स देख लें, उसमें 95% से ज़्यादा लोग, 95% से ज़्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट के समर्थन में खड़े हैं। ये 5% लोग वो हैं जो उनकी पेड टीम है, ये वो हैं जो उनके 2 रुपए वाले या 1 रुपए वाले, या हो सकता है क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च करने का समय आ गया इलेक्शन से पहले, और महंगे पैसे दे के जो उन्होंने अपनी टीम्स लगा रखी हैं मीडिया मैनेज करने के लिए, वो सिर्फ वो लोग हैं। अदरवाइज इस देश में सिर्फ वही पेपर बैलेट का विरोध करेगा जो धांधली करना चाहता है चुनाव में, जो चुनाव में धोखा करना चाहता है। सर, बीजेपी कहती है कि जहां हम जीतते हैं वहां बोलते हैं विपक्षी कि हम ईवीएम में चोरी की है, लेकिन जहां विपक्षी जीतती है वहां क्यों नहीं होती चोरी? हम लोग देश की जनता है ना, हम कह रहे हैं इलेक्शन जहां से भी होगा वो मैनेज होगा, इलेक्शन ईवीएम के जरिए से, वीवीपैट के जरिए से, जहां से भी जो भी कराएगा, नहीं तो सर जो भी कराएगा, हर जगह चोरी हो सकती है। अगर वो हर 100% चोरी होगी ही, कोई बहुत फरिश्ता ही होगा जो इतना बड़ा लालच छोड़ देगा। अब सुनिए, आप, मैं आपको बताता हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस और बीजेपी के भी लोग हैं ना, एजेंट्स बार बार छोड़ के भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो लॉजिकल नहीं है। तो वो उन लोगों को जिताते हैं जिनको वो कभी ना कभी अपने पास ले सकते हैं दिखाने के लिए, और ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जितवाते हैं। ये ईवीएम एक ऐसी चीज है, इसमें तो पूरे देश की 543 सीटें जीत सकते हैं, कहीं 100 वोटों से जीत जाएंगे, कहीं 50 से जीत जाएंगे, कभी 1 लाख से जीत जाएंगे, तब आप सवाल कर पाओ। एक मिनट, पहले मैं अपनी सवाल, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूँ जो आप लोगों को फेस नहीं करूंगा। मैं पहली बात ये बोलता हूँ, जर्नलिस्ट को मैं उसको मानता हूँ जो सामने खड़ा है व्यक्ति उससे सबसे कड़वा सवाल पूछे, वो जर्नलिस्ट ही नहीं है जो लिहाज करके सवाल पूछता है। तो मेरी बात सुन ले आप, मैं ये कह रहा हूँ कि कंट्रोल हाथ में है, किसी को जिताना है, किसी को हराना है, किसी को 1 वोट से जिताना है, किसी को 1 लाख वोट से जिताना है, या 5 लाख वोट से जिताना है, ये सब किसी एक आदमी के हाथ के कंट्रोल में आ जाता है। तो वो अब सरकारें किसकी बन रही हैं, सेंटर में किसकी सरकार बन रही है और किस तरीके से बन रही है, वो महत्वपूर्ण बात है। आपको ये समझना चाहिए, अभी 3 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं
उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ना इतने बड़े बड़े नेताओं को, क्यों? क्योंकि उनको बोला गया होगा मीटिंग्स में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ईवीएम से हमने जिताया चुनाव। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।